अगर आपको कोड के अंदर इस तरीके से लिखा आता है IO और एरर 7011, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को आप यहाँ पे पूरा ज़रूर देखिएगा। तो ये काफ़ी सारे लोगों को एरर लिखा आता है, IO आता है और एरर आकर 7011 लिखे आते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जिससे अपनी प्रॉब्लम आप हटा सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ से एप्लीकेशन को बंद कर दीजिएगा और उसके बाद एक बार अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कीजिए, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार अपने फ़ोन को बंद करके चालू कर दीजिए और फिर से अपने ओट के अंदर जाइए और देखेंगे तो आप अपनी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। बाकी अभी भी दिक्कत सॉल्व नहीं होती है तो दूसरा तरीका यही है कि फ़ोन की सेटिंग खोलनी है आपको और ऐप्स के अंदर आपको चले जाना है। ऐप्स में जाने के बाद सभी ऐप्स यहाँ पर आ जाएंगे आपके फ़ोन के। यहाँ पे आपको आपका ओट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ पे ओट के ऊपर क्लिक कीजिएगा और इसका डाटा और कैचे या फिर क्लियर स्टोरेज या फिर क्लियर डाटा आपको इसका कर देना है, ठीक है। और ये प्रोसेस करने के बाद आपको अपना ओट एप्लीकेशन ओपन करना है और जैसे आप यहाँ पे अपना ओट एप्लीकेशन ओपन करोगे आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ वीडियो प्ले करके भी, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमारी वीडियो यहाँ पे देखिए प्ले हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये देखिए वीडियो भी प्ले होना स्टार्ट हो चुकी है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे पर अच्छी वीडियो लगने पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।